बट वेन बट वेन यू आर बट वेन मैं क्या बोल रहा हूँ खुश रहना चाहते हैं बट ऑल द टाइम हम लोग नहीं रह पाते हैं क्योंकि सर हमारे इन्वायरमेंट के वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। एज ए स्टूडेंट जैसे कि हम लोग का पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, फिर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है सर, और बहुत सारी चीज़ें जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर होता है। मैं समझ सकता हूँ, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, इसमें हम और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए सर हम लोग कहीं ना कहीं उस वजह से बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि अगर सर हम लोग उस चीज़ को छोड़ भी दे और खुश रहना चाहे तो हम लोग उस चीज़ को छोड़ करके सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? और हम भुला नहीं पाते और बार बार उसकी याद आती है, फिर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यस सर, चीज की बात हो रही है, बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है यहाँ पर। द पॉइंट इज व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ विच हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा खुश रह सकें। तो क्या ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हैं जो आज आपके कंट्रोल में नहीं है कभी भी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आने वाले हैं? हाँ, कभी भी बाहर जो भी कुछ है जैसा आप चाहते हैं वैसा सब कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। तो फिर हम खुश कैसे रहेंगे? ऐसी सिचुएशंस आती हैं, मतलब अब आप सुबह उठे, सोचा कि मैं खुश रहूँगा, अपने फेस पे स्माइल रखूँगा, तो फिर आगे गए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ मैनेजर ने ऐसा बोल दिया है कुछ, तो फिर आप मतलब उस बात को फिर सोचते रहोगे पूरा दिन उसी बात को, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई सोचते रहोगे तो आप दुखी होते रहोगे, तो मतलब वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता ना। मतलब आप खुश कब तक रह सकते हो? कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपको ज़रूर मिलेगी जिसमें आपको दुखी होना पड़ेगा। हाँ, प्लीज़ हैव अ सीट। मतलब व्हाट दे आर सेइंग इज, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, कि एक्सटर्नली बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ना कुछ बाहर ऐसा हो रहा होता है जो ठीक नहीं होता है, जो वैसा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं। और अगर सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब लाखों करोड़ों चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो रही है, लेकिन एक चीज़ ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो क्या होगा? खुशी की धज्जियाँ उड़ गई। अगर आपकी खुशी लिंक्ड है एक्सटर्नल सिचुएशंस से, दैट कुड इवन बी प्लेजर्स, जो हमको सेंसेस के थ्रू प्लेजर्स मिलते हैं जिसको हम खुशी समझते हैं, उस पर भी अगर आप डिपेंड हो गए तो खुश रह सकते हो हमेशा? कैन यू बी हैप्पी ऑल द टाइम? यू कैन बी हैप्पी फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, मूड बड़ा खराब है, तो गए फ्रिज में से चॉकलेट निकाला, दे धनाधन लगे हुए हैं, एक खाई मन नहीं भरा, दूसरी खाई, तीसरी खाई, तो कुछ सेकंड्स के लिए तो प्लेजर मिला, लेकिन क्या ये खुशी है? क्या जिस वक्त आप वो खा रहे होते हो प्लेजर तो मिल रहा होता है, क्या अंदर खुशी होती है या अंदर एक रिग्रेट की फीलिंग होती है कि मैं क्या कर रहा हूं? सो वी कांट बी हैप्पी थ्रू प्लेजर्स। इसमें सारे प्लेजर्स आ गए, जो भी प्लेजर्स जहां तक भी आप सोच सकते हो वो सारे प्लेजर्स आ गए, तो अगर हम प्लेजर्स में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं तो लत लग जाएगी, कोई भी प्लेजर हो, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, या ये तो बड़ी चीज़ें हो गई, छोटी छोटी चीज़ें, खाना, मोबाइल, इससे छोटी चीज़ क्या होगी, मोबाइल, समझ गए ना? मतलब कैसे फंसते हैं मोबाइल में जाकर के, ये इतनी अवेयरनेस है आपके अंदर कि मोबाइल कैसे हमको खींच लेता है अपनी तरफ, कि हमको लगता है कि वहाँ पर खुशी है लेकिन मोबाइल में खुशी नहीं है, फेसबुक में आपको लाइक्स मिलते हैं वहाँ पर खुशी है क्या? प्लेजर है, बड़ा मज़ा आता है जब लाइक्स बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, एक बार भूले बिसरे कभी आपके एक फोटो के ऊपर 100 लाइक्स आ गए है ना, अब अगर अगली बार 99 भी हुए तो दुखी हो रहे हो, समझ गए? कितना बेवकूफों वाला तरीका है ये जीने का। और कहाँ ढूंढते हैं हम अपनी खुशी? फीलिंग्स में ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं? मूड अच्छा रहना चाहिए, मूड कभी अच्छा रहता है क्या? फीलिंग एक जैसी रहती है क्या? कोई भी फीलिंग को आप मेंटेन कर सकते हो? तो ये मैं इसलिए यहां पर टच कर रहा हूं बिकॉज पहले हमको ये समझना होगा कि इस प्लेजर हैप्पीनेस, इस फीलिंग हैप्पीनेस, अगर हमको ये नहीं समझ आया तो ये तो सवाल ही बेकार हो जाता है कि हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। क्योंकि अगर हम प्लेजर्स को हैप्पीनेस समझ रहे हैं, फीलिंग्स को हैप्पीनेस समझ रहे हैं, मूड को हैप्पीनेस समझ रहे हैं, किसी एक थॉट को पकड़ करके रखा हुआ है कि थॉट बना रहे बस किसी तरीके से, हंसी आ नहीं रही है लेकिन कहीं पढ़ लिया है कि स्माइल एंड यू विल फील हैप्पी, और जबरदस्ती हंस रहे हैं, अंदर से वॉट लगी हुई है, समझ गए ना? हाँ
लेकिन बाहर से हंस रहे हैं. तो इस स्माइलिंग हैप्पीनेस, इस लाफ्टर हैप्पीनेस, बहुत लोग हैं जो बहुत हंसते हैं लेकिन अकेले में डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते हैं. तो जिस हैप्पीनेस की मैं बात कर रहा हूं, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद शोइंग दैट यू आर हैप्पी. बाहर से दिखाना, खिलखिलाना दोनों में फर्क पहले समझ आ रहा है. एक है आप खुश हो और हंस रहे हो, एक है हंस करके खुश होने की कोशिश कर रहे हो. तो आप हंसी पे डिपेंड हो गए क्या? 24 घंटे हंसते रह सकते हो? नो सर, पागल हो जाओगे. समझे ना? तो दोनों में फर्क समझ आया? नहीं आया, नहीं आया ना. एक मिनट, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप रिलेट कर सको. एक है आप खुश होने के लिए गुनगुना रहे हो, एक है आप खुश हो और अंदर से कुछ निकल रहा है. उलुले, उलुले. समय दोनों में फर्क समझ आ रहा है? एक खुशी से हंसी बाहर आ रही है और खुश होने के लिए आप हंस रहे हो. दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना. वो झूठ हो गया, ये सच हो गया. समझ गए ना? अंदर से आप खुश नहीं हो लेकिन बाहर से हंस रहे हो. अंदर से स्ट्रेस में हो लेकिन बाहर से अपने आप को नॉर्मल दिखा रहे हो. एक अंदर से आप स्ट्रेस फ्री हो, मस्ती में हो, बैठे हो, हंस रहे हो, नहीं हंस रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो व्हाट इज हैप्पीनेस? मैंने कहा इट इज नॉट कनेक्टेड टू प्लेजर, इट इज नॉट कनेक्टेड टू फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, ये वो चीजें बाहर. ये सब चीजें बदल जाती है ना, यही तो प्रॉब्लम है ना. क्या खुश रहने का कोई ऐसा तरीका भी है इस दुनिया में जो दुनिया को पता नहीं है, जो बदले ना? ये सब चीजें बदल रही हैं. क्या है जो नहीं बदलता है? अंडरस्टैंडिंग. क्या अंडरस्टैंडिंग बदलती है हमारी? अगर कोई चीज अच्छे से हमको रियलिटी के बेस पर समझ आ गई है, आपको ये समझ आ गया है कि जो धरती है वो गोल है, फ्लैट नहीं है, इसको मरते दम तक बदलने का कोई तरीका है? अंडरस्टैंडिंग मरते दम तक नहीं बदलती है. अगर अंडरस्टैंडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग हो तो, रॉन्ग हो तो बदल जाती है. रॉन्ग मतलब क्या? आपको आकर के किसी ने कहा कि हाँ भाई तेरी मनोकामना पूरी करनी है तो इस भगवान की पूजा कर जा करके. फिर कोई दूसरा आया कहता नहीं इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये वाले भगवान इतने नहीं चलेंगे, वो तेरा ये जो ये प्रॉब्लम है ना इसके लिए ये वाले भगवान ज्यादा बेटर है, वहां तो उल्टा हो जाएगा तेरे साथ में. समझ गए ना? तो बदल गई. पहले आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये गुरु परफेक्ट है, अब आप कह रहे हो नहीं ये परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट है. क्यों बदल गई? फैक्ट पे बेस नहीं थी. इट इज नॉट अ फैक्ट कि वो परफेक्ट है या वो बहुत बढ़िया है, ये कहीं से सुन लिया, कर लिया, ये वो जाकर के बस. समझ आ गया? तो फैक्ट्स के बेस पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं बदलती है. तो अभी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी ये हो कि लाइफ में अभी इस पॉइंट पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ, करियर, ये दो अलग अलग चीजें निकल करके आ रही हैं. उससे भी पहले कुछ, हेल्थ को भी हटाओ, करियर को भी हटाओ, अभी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर ना हो तो सब बेकार है. और वो अगर अभी हमको समझ आ जाए कि ऐसा क्या हो रहा है और उसके ऊपर हमारी हैप्पीनेस बेस्ड हो तो कमाल हो सकता है. इतना बड़ा रीजन है खुश होने का, खुशी से झूमने का, जिसकी कोई हद नहीं है. जो और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो सब बहुत छोटी हो जाएंगी जैसे ये समझ गहरी हो जाएगी. अभी ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ? यू आर अलाइव. नहीं आती खचरों ये बात समझ में? छोटी चीज है. यू आर अलाइव. ये सच है झूठ है? इस अंडरस्टैंडिंग को मरते दम तक बदलने का कोई तरीका है? तो अगर आपकी खुशी इससे लिंक हो जाए, इस अंडरस्टैंडिंग से लिंक हो जाए, ये राइट अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है? कैन यू से आई एम नॉट अलाइव? मैं कहूंगा अबे अगर तू मुर्दा है तो बोल कौन रहा है कि आई एम नॉट अलाइव. जिंदा ही बोल सकता है ना कि मैं जिंदा हूं. ये राइट अंडरस्टैंडिंग है. मैं हेल्दी हूं, मैं बीमार हूं, वो एक अलग टॉपिक है. मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं, वो एक अलग टॉपिक है. मैं दिखने में अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, वो एक अलग टॉपिक है. वो सब अलग टॉपिक्स हैं, बट इन सबका ग्राउंड क्या है? मैं जिंदा हूं, मैं हूं. एक्सीलेंट पॉइंट. आप कह रहे हो कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अंदर से ये आने लग जाता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, राइट? और लोग कई ये स्टेप उठा भी लेते हैं.
मर जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल, पता नहीं क्या क्या हो गया उनकी लाइफ में, वो कभी ऐसा नहीं सोचते। दूसरी तरफ से ऐसे लोग हैं जिनके पता लगा 2% कमाया, चलो जी छलांग मारो। समझ गए? तो क्या एक्चुअल में हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़ी है, या फिर जबरदस्ती अपने माइंड में हम क्रिएट कर रहे हैं? किसी से अलग हो गए, कुछ भी नहीं है उसमें, क्या है, किसी मिल गए, किसी से अलग हो गए, उसमें व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कभी हम बैठ करके सोचते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मैं आपसे पूछूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आपने क्या कहा था, करियर, करियर या हेल्थ, अब बताओ। आप सोच करके आप बोल रहे हो, पहले सबने ज्यादातर ने करियर करियर बोला था, क्या करोगे करियर का अगर हेल्थ नहीं है तो? करियर करियर करियर, जॉब जॉब जॉब, विच इज कनेक्टेड टू पैसा पैसा पैसा, और इस पैसे से क्या करना है, जब पैसा आएगा शो ऑफ, दुनिया को दिखाओ, तो हम खुशी कहां ढूंढ रहे हैं, शो ऑफ में। तो आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप चाहे कितना भी शो ऑफ कर लो, कुछ देर के लिए तो आप खुश हो सकते हो दूसरों को जला करके, लेकिन वो जला हुआ बंदा भी ज्यादा देर तक चुप बैठने वाला नहीं है, वो भी आपको जलाने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा। तो करते रहो, एक दूसरे को खुजाते रहो, एक दूसरे को जलाते रहो, तो मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊंगा, यही तो हो रहा है और हो क्या रहा है ना। तो थिंकिंग ही आपकी ऐसी जगह पर है जहां पर आप खुश हो ही नहीं सकते। मैं बात क्या कर रहा हूं, हाउ टू बी हैप्पी, यही टॉपिक है आज के सेशन का, हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। तो अगर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बी हैप्पी राइट नाउ, सो वी कैन नेवर बी हैप्पी। मैं कह रहा हूं जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी कुछ हो रहा है, किसकी लाइफ में नहीं है, बट अगर आपको एक तरीका समझ आ जाए कि अभी में खुश कैसे रहना है, तो अभी कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद भी अभी ही होगा। अभी आपके पास में क्या क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, दैट इज कि मैं जिंदा हूं, यही नहीं है तो सोचो। आप कहते हो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करोगे करियर का, पैसा आएगा ना वहां से, कितना पैसा कमाओगे आने वाले 10 साल में, कितना सेव करोगे वहां से, कितना कर लोगे बताओ, एक आइडिया बताओ, 10 लाख 20 लाख मान लेते हैं। मेरा ऑफर है अभी के अभी, राइट नाउ टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए, जो वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए नहीं, आ भी जाएंगे लोग, एंड आई मीन इट, आप मेरी आंखों में देख सकते हो, आप लोगों के लिए एक ओपन ऑफर है, 2 किडनीज हैं आपके पास में, एक डोनेट करो, किसी को डोनेट करेंगे अभी यहीं से, सेशन के बाद में आप मेरे साथ ही चलोगे मेरी गाड़ी में, एम्स में या कहीं पर जाएंगे, वहां जाकर के पता करेंगे, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट, आई मीन इट। ऑफर क्या है, किडनी डोनेट करो अपनी, एक किसी बच्चे को या किसी ऐसे इंसान को जिसको जरूरत है, पैसे मैं दूंगा आपको, करो। कितने पैसे चाहिए बोलो, 10 लाख रुपए, माई कमिटमेंट, आई नॉट बैक आउट फ्रॉम माई कमिटमेंट, अभी लो 10 लाख रुपए। 10 लाख खत्म हो जाएंगे फिर दूसरी थोड़ी ना करेंगे। अब सबका दिमाग चलना शुरू हो गया, हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब वो 10 लाख खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई 10 लाख में दोबारा से किडनी थोड़ी मिल जाएगी हमको, हाँ। अब बहुत दिमाग चल रहा है आप लोगों का, हाँ। थोड़ी देर पहले पूछा था क्या इंपॉर्टेंट है, करियर, सोचते क्या हो अपनी लाइफ को, जीते कैसे हो, पैसा मेरे पास कितना है, उसके पास कितना है, मेरा मोबाइल तेरा मोबाइल, हाँ शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, हाँ वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो, अपने आप को कंपेयर नहीं करते रहते सुबह से रात तक, क्यों हो रहा है ये, कभी सोचा है ऐसी लाइफ क्यों बन गई है हमारी, रेस चारों तरफ, कंपटीशन, कंपैरिजन, ऐसी लाइफ क्यों बन गई है, क्योंकि कभी हमने बैठ करके अपने आप से सवाल ही नहीं किया है, ना हमने, ना हमारे पेरेंट्स ने, ना टीचर्स ने, ना सोसाइटी में किसी ने, कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नहीं, जो अभी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है या जो होने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी है। तो अभी कितना कुछ सही हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर गिना जाए, एक लिस्ट बनाई जाए तो, बना करके देखना कभी आराम से बैठ कर, 50-50 अभी आपको लग रहा है ना, 50-50 आराम से बैठ करके जब लिस्ट बनाओगे ना तो समझ आएगा, 50-50 नहीं है, अरे नहीं 80-20 क्या बोल रहे हो, 90-10 पागल हो गए हो क्या, 99.99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 9% सही हो रहा है, 0.00001% कहीं कुछ गलत हो रहा है, नहीं आ रही है बात समझ में, आपके जिंदा होने के लिए क्या हमारे इस प्लैनेट का परफेक्टली काम करना जरूरी है या नहीं है, हल्का सा भी कुछ वहां पर हिला, कहां है आपके ड्रीम्स जी, कहां है आपके प्लान्स, कहां है पैसा, कहां है करियर, जब जिंदा ही नहीं हो तो।
यहाँ छोड़ो, इस गैलेक्सी में कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई, खत्म। एक अर्थ नाम का प्लैनेट हुआ करता था, वो भी कोई बोलने वाला नहीं होगा पता भी नहीं है कहाँ था कहाँ नहीं था, कहाँ है आपकी प्रॉब्लम्स इस सब के आगे। यानी कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स परफेक्टली काम कर रहा है अभी इस मोमेंट में आपकी लाइफ के सबसे बड़े डिजायर को पूरा करने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जिंदा रहने का डिजायर। इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कुछ भी इतना सा भी इंबैलेंस हुआ, कहीं पर भी छोटा सा भी, कहीं पर भी कुछ भी, ये अभी वहां भी छोड़ो, यहीं आसपास में, सुबह नहा रहे हो, बड़े खुश हो, गाना गा रहे हो, व्हाटएवर, लाइक हल्का सा बस साबुन पे पैर पड़ गया और फिसल करके कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया, ट्रेन डैमेज हो गया, व्हाटएवर, कहां है सब कुछ? तो इसका मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्टली हो रहा है जिससे कि आप जिंदा रह सको। ये छोटी चीज है। फिर बट सर, माइंड इतना स्टैटिक है, उस चीज को मानता नहीं है, तो वो चीज कैसे हो? वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि हम सही तरह के क्वेश्चंस कभी पूछते ही नहीं है। माइंड एक जगह पे टिकता कैसे है, कभी सोचा है? सब मन को कंट्रोल, समझो, माइंड टिकता ही नहीं है, ये आप कहते हो, मैं कहता हूं टिकता है, कैसे टिकता है? दैट शुड बी द क्वेश्चन। माइंड एक जगह पर टिकता है क्वेश्चनिंग से। यू नीड टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कॉन्शियसली। ये नहीं कि मैं जबरदस्ती आपके अंदर एक क्वेश्चन घुसा रहा हूं, आपके अंदर ही क्वेश्चन चलना चाहिए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अब आप अपनी लाइफ के सही डिसीजन ले सकते हो। जो उस मोस्ट इंपॉर्टेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा उसको छोड़ दोगे, जो हो सकता है अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा हो एक सेकंड में छोड़ दोगे, पूरी दुनिया कहेगी ये क्या कर दिया, नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। और कुछ ऐसा करोगे जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, बट आप कर रहे हो क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वी नेवर आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम इन माय लाइफ। तो एकदम से जैसे ही हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, सारी एनर्जीज वहां पर आ जाती है। तो फिर वो आ गई यहां पर, मैं जिंदा हूं। अच्छा, क्या सिर्फ यही है कि मैं जिंदा हूं, या इसके आसपास में और भी कुछ ऐसा हो रहा है जो कुछ बहुत अच्छा है मेरे पास में अभी इस पॉइंट में लाइफ में? पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को देख करके क्या आपको प्लेजर होगा? अगर इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे देखोगे तो या खुशी होगी। हाँ, दोनों में फर्क समझ आया ना? हो सकता है पेन मिल रहा हो वहां से, फिर भी खुशी हो रही हो, यानी पेरेंट्स डांट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? मैं जिंदा हूं, मेरे पेरेंट्स जिंदा है, जिंदा तो है, मार लो पीट लो। तो पेन भी हो रहा है, फिजिकली पेन हो रहा है, मेंटली भी पेन हो रहा है, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसा सुना रहे हैं जो आप सुनना नहीं चाहते हो, कुछ ऐसा बोल रहे हैं करने के लिए जो आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन वो जिंदा है, जिंदा है, तभी तो बोल रहे हैं। मेरे फादर हैं, मतलब मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरे ऊपर कोई हाथ है, कोई है जिसमें मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूं। इस मतलबी दुनिया में यहां पर हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, कोई है जो अपने से पहले मेरे बारे में सोचता है, छोटी चीजें नहीं है, वो अपनी जान देने को तैयार है मेरे लिए। तो क्या इस फैक्ट के बेस पे आप खुश हो सकते हो इमीडिएटली, या नहीं हो सकते हो? सकते हो। अगर हम आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना, तो लाइफ में आपको दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं मिलेगा। आप देखोगे जब भी हम दुखी होते हैं अपनी बेवकूफी की वजह से दुखी होते हैं। देयर इज नो रीजन टू बी सैड इन दिस वर्ल्ड। हम दुखी होते हैं अपनी ना समझी की वजह से, हमको चीजें समझ नहीं आ रही होती है। उस बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा है कि भैया तेरे अगर 2-4% कम भी आए तो उसके लिए कूदने की जरूरत नहीं है, इनके आ भी गए उन्होंने भी कुछ उखाड़ा नहीं है, खच्चरों की तरह धक्के खा रहे हैं, ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, तो कुछ बहुत बढ़िया नहीं हो गया उनके साथ में। हो सकता है अगर तू ये नहीं करता तो तेरे साथ में बहुत कुछ बढ़िया हो जाता, उसको समझ ही नहीं आ रहा है खेल चल क्या रहा है। बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं उसके पास में, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, कितनी अच्छी बॉडी है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। इनफैक्ट पेरेंट्स भी बाद में आते हैं, मैं जिंदा हूं के साथ में क्या जुड़ा हुआ? आपकी बॉडी, बॉडी को हाथ लगाओ, ये आपसे कोई ले नहीं सकता है मरते दम तक। कोई दूसरे की बॉडी को हाथ लगा करके आपको बड़ा मजा आ रहा है, वो गया चल साइड हो खत्म, अब दुखी हो जाओगे, अब सुसाइड करोगे, अब कहोगे मैं जिंदा क्यों हूं? अबे अबे खच्चर, तेरे पास अपनी बॉडी है तो सही। हाँ, तो अपनी बॉडी को हाथ लगाने में प्लेजर नहीं मिलेगा, प्लेजर में और हैप्पीनेस में फर्क समझ आ रहा है? जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, अगर आप समझ पाओ। दूसरों की बॉडी को हाथ लगा के वो बॉडी जो हमको पसंद है
विच वी लाइक, द काइंड ऑफ बॉडीज दैट वी लाइक, उनको टच करके, उनको देख करके प्लेजर मिलता है. जब तक कि वो सामने वाला बंदा है, बंदी अपना मुंह नहीं खोलते. जैसे पीछे से देखा किसी को कोई जा रही है, आपको लग रहा है स्वीट 16, वाह जी वाह, मजा आ गया, पलटी, अबे क्या देख रहा हम बात है, क्या हो गया. ये बड़ा टेम्पररी सा है, ये जो प्लेजर है ना, मतलब ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, आती जाती रहती है. इसके बेस पे जो बच्चे जो भी कुछ उल्टे सीधे हम अपने लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं, बेवकूफ हैं वो लोग. जो भी कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, जो भी कुछ अभी परफेक्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अगर वहां हमारा ध्यान चला जाए तो दुखी होने का कोई रीजन है आपके पास में? नहीं है. एंड दिस इज बेस्ड अपॉन राइट अंडरस्टैंडिंग. कितना कुछ है. मेरी बात हो सकता है आपको समझ आए, हो सकता है ना आए, बट आई विल से इट कि हो सकता है जो आपको लग रहा है ना कि ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपको लग रहा है, हो सकता है वो सब कचरा है. कचरे में से क्या आती है? बदबू आती है, खुशबू आती है? बदबू आती है. और हो सकता है जो अभी आपके पास में है वो रियल फ्लाज है जिसको आप नहीं देख रहे हो, बस कचरे में खुशबू को ढूंढ रहे हो जहां पर खुशबू है ही नहीं. तो जब अभी जो फ्लाज है आपकी लाइफ में उससे आप खुश नहीं हो रहे, तो कचरे से क्या खाक खुश होगे? कचरा क्या है? करियर, करियर, करियर. जिस करियर में भी आप हो, उसके टॉप में जो लोग बैठे हैं, 60 साल एज है, पता नहीं 36 तरह की बीमारियां हैं लाइफ में, उनको ऑफर दिया जाए कि अभी जो आपके पास में है वो मिल जाएगा उनको, और जो उनके पास में है वो मिल जाएगा आपको, क्या लगता है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप अमीर हो, वो अमीर है. मतलब उनको क्या मिला बदले में? 60 साल से उनकी एज हो गई 22 साल, उनको परफेक्ट बॉडी मिल गई, उनकी सारी बीमारियां गायब, बीपी की गोलियां, डायबिटीज की गोलियां, हार्ट की प्रॉब्लम, पता नहीं कितनी सर्जरी हो चुकी है, रात को सो रहे हैं पता भी नहीं सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे. वो समझदार होंगे तो इमीडिएटली इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर आप बेवकूफ हो गए तो आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे. मतलब आपके सारे ड्रीम्स तो पूरे हो गए, बस अभी कुछ ऐसा है वो नहीं होगा. दैट इज हेल्थ. अब मैं ये नहीं कह रहा वहां पर आप ग्रो मत करो, ग्रो करते रहो, बट वहां पर खुशी मत ढूंढो. आप गलत जगह पर खुशी ढूंढ रहे हो. वहां पर आप पैसा ढूंढो, इट मेक्स सेंस. पैसे में खुशी ढूंढना बेवकूफों वाला तरीका है. पैसे में आप सर्वाइवल को ढूंढो, मेक सेंस. पैसे में आप कंफर्ट को ढूंढो, मेक सेंस. मनी कैन गिव यू कंफर्टेबल सर्वाइवल, बस उसमें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, गाड़ी मिल जाएगी, मेक सेंस. बट आपको ये लग रहा है गाड़ी में बैठते मैं खुश हो जाऊंगा. अरे नहीं जी, ऐसा नहीं होता है. प्रॉब्लम क्या है आपकी लाइफ की, सारी की सारी जड़ क्या है प्रॉब्लम्स की, कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी और से, किसी और के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो. अगर आप इस फैक्ट को समझ जाओ कि आप यूनिक हो, आपको किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आप परफेक्ट हो. जैसे गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, तो गेंदे का फूल भी परफेक्ट है. मछली है और एक आसमान में कोई पंछी है, दोनों ही परफेक्ट है. तो आपको पंछी बनने की जरूरत नहीं है. यही तो स्ट्रगल की जड़ है आपकी लाइफ की सारी की सारी. हो मछली लेकिन पंछी की तरह उड़ना चाह रहे हो, बार बार फड़फड़ा रहे हो, गिर रहे हो, कह रहे हो कि यार कुछ हो नहीं रहा है. पंछी हो तब भी यही हरकत कर रहे हो, बार बार पानी में डुबकियां मार रहे हो, जरूरत ही नहीं है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड जी. आगे बात समझ में. तो सबसे पहला स्टेप क्या है ग्रोथ का? अगर आपको अपने करियर में भी ग्रो करना है कहीं भी, तो सबसे पहले आपको जो आप हो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना है. दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस. बजाय कि आप हो मछली लेकिन जिंदगी भर मरते दम तक अपने आपको कंपेयर करते रहे किसी पंछी से और वैसा बनने में लगे रहे, लगे रहो भैया, कुछ नहीं होने वाला. Need to understand I am unique and I am okay with it. जैसा भी हूं, जो भी हूं, सही हूं, यूनिक हूं, मुझे किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है. तो अगर इसको एक वर्ड में बोला जाए तो acceptance of what is happiness. तो जो भी कुछ है उसके बारे में सोच करके अगर आप थैंक्स करते चले जाओ, आपके दिल से निकले, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बोलने के लिए नहीं, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को मुंह पे जाकर के बोलने की जरूरत नहीं, दिल से अपने पेरेंट्स के लिए थैंक्स निकले, थैंक यू सो मच. अपनी बॉडी को टच करके उसके लिए थैंक्स निकले, थैंक यू सो मच. देखो करो, आंख बंद करो, अभी एक मिनट के लिए अपनी बॉडी को आराम से टच करो, फील करो. कोई प्लेजर नहीं है यहाँ पे, खुशी है. देखो दोनों हाथों को टच करो, फीलिंग हो रही है ना?
क्या ये मिरेकल नहीं है? लोग मिरेकल्स की बात करते हैं, इससे बड़ा कोई मिरेकल है? मेरे दो हाथ आपस में टच हो रहे हैं और मुझे पता लग रहा है. क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूं. कमाल हो रहा है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स मिल करके कमाल कर रहा है. किसके लिए कर रहा है? मेरे लिए कर रहा है. और किसके लिए कर रहा है? मैं सोच सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, सूंघ सकता हूं, ब्रेथ चल रही है. जैसी भी है मेरी लाइफ, जो भी है मेरी लाइफ, उससे मैं पूरी तरह से खुश हूं. आंखें खोल सकते हैं आप लोग. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम जी. थैंक यू सो मच. आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, मुझे कोई सुनने वाला नहीं होता, तो मैं ग्रो कैसे करता? आपको गलत फहमी है कि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ. अरे नहीं, मुझे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है आपको नहीं पता है. ये करके मेरी लाइफ कितनी चेंज हो रही है वो आपको नहीं पता, मुझे पता है. टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस. बिजनेसमैन हूँ ना, समझदार हूँ थोड़ा सा. शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए नहीं, मेरा खुद का फायदा है उसमें. जितना मैं शेयर कर रहा हूँ उतना ही मैं ग्रो करता चला जा रहा हूँ. जितनी मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशी बांट रहा हूँ उतनी मेरी खुशी बढ़ रही है. किस हद तक बढ़ रही है वो सिर्फ मुझे ही पता है, आप लोगों को थोड़ी पता है. क्यों बताऊँ आप लोगों? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम.